दोस्तों, जैसा कि आज जो सीपीयू में क्वेश्चन आया था, मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज 12 दिसंबर को जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था जीएस में, जो आया हुआ था जीएस सेक्शन में, उसके बारे में है। ये जो क्वेश्चन है हमें स्टूडेंटों द्वारा मिला हुआ है। जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों वो था कि कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन थे। कोलकाता नगर के वास्तुकार दोस्तों थे जॉर्ज चार्नक थे। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। प्राचीन यूनान में अपोलो माना जाता है। जो प्राचीन यूनान था दोस्तों, प्राचीन यूनान में अपोलो माना जाता है। अपोलो किसे माना जाता है? सूर्य देवता को। किसे माना जाता है? सूर्य देवता को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है भारत में अनुसूचित बैंकों की शाखा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अनुसूचित बैंकों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुसूचित बैंकों की शाखा सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है? तो वो है यूपी में। कहाँ पे है ये? जो है ये आपका यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है। और यूपी का अभी सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ दोस्तों, बहुत ही हाईलाइटेड सीएम है। अब आगे आते हैं। बोला जा रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों। अब आते हैं पाँचवा क्वेश्चन में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? यह है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में दोस्तों। उसके बाद बोलते हैं कि हरमुज जल संधि कहाँ पे पाई जाती है? बोला जाता है कि हरमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो हरमुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। याद रखिएगा, फारस एंड ओमान के खाड़ी के बीच में पाई जाती है हरमुज जल संधि। कौन सी जल संधि? हरमुज। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ने वाली जनसंधि क्या है? तो हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ने वाली जनसंधि का नाम है बाबा अल मदेब। ओके दोस्तों, अब आते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला जा रहा है मांसपेशियों की अस्थि को की जोड़ को क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है टेंडर। क्या बोला जाता है उसे? टेंडर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला जा रहा है कि अकबर के लेखक अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था? अकबर नामक का जो लेखक है हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है दोस्तों। अकबर नामक का लेखक भी आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर नामक का लेखक कौन है दोस्तों? तो अकबर नामक का जो लेखक है दोस्तों वो है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा अबुल फजल। और उसके बाद दोस्तों उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आगरा में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों उनका जन्म? आगरा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पाउंड में कुल कितने ग्राम होते हैं? एक पाउंड में 1 पाउंड बराबर कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? तो ये होता है 432 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो वो है रायबरेली में। थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, रायबरेली में दोस्तों। उसके बाद बोला जा रहा है कि यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? यहाँ पे कौन छूट गया है? कौन थे दोस्तों? तो वो थे बिबियन डेरी जियो दोस्तों। ये क्वेश्चन आज आया हुआ है एसएससी सीपीयू में। और अगर और भी क्वेश्चन कुछ छूट गया होगा मैथ रीजनिंग वगैरह का, आप क्वेश्चन इस कमेंट में सेंड करें दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।